हम बालाकोट, और बालाकोट सिटी है पीछे, और जो दरिया के किनारे होटल है फ्रेंड्स, उधर जा रहे हैं चढ़ाई ऊपर चढ़ के, और अभी नाश्ता करते हैं बालाकोट। नाश्ता का जो है ना यहाँ पे वेट हो रहा है, और ये होटल है, यहाँ से नाश्ता सुबह का बालाकोट सिटी में नाश्ता होगा। यहाँ पे हमने किया स्टे होटल गेट पे, और साथ ही बिल्कुल ये सारा सिटी है बालाकोट और दरिया। और फ्रेंड्स अभी टाइम हो गया है नाश्ते का, हम स्टे किया हमने बालाकोट, तो बालाकोट सिटी में होटल गेट पे इनकी सर्विस बहुत अच्छी होती है, इस वजह से हमने यहाँ पे स्टे किया। और ये बाकी लोग हैं वैस भाई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए हैं बालाकोट, और आपको बड़े ही खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ़ानंदोज करवाएंगे थोड़ी देर तक। अभी हम खाने जा रहे हैं, नाश्ते के लिए जा रहे हैं, खाना खाने के लिए आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हमने चूज़ किया जी बालाकोट सिटी को नाश्ते के लिए। ये देखें जी, वाइट 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 फ्लावर्स यहाँ पे नजर आएंगे आपको। ये देखिए तोड़ लिया, बेहतरीन, ओहो कमाल खुशबू है जी, बहुत अच्छी क्या बात। आप लोगों को भी जो है ना नजर, ये बेहतरीन, ये बेसिकली ब्रीड किया हुआ फ्लावर है। हाँ, बीइंग अ बायोलॉजिस्ट आई कैन एक्सप्लेन इट वेरी वेल कि ये कैसे, मतलब बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं अवैस भाई, क्योंकि एक टीचर हैं तो टीचर की इंग्लिश तो बहुत अच्छी होती है। ये देखिएगा ये व्यूज, ये फ्लावर जो है ना हमारे पास एक बैचलर अनलिमिटेड बैचलर, और ये देखें जी हमारे साथ कुछ हमारे जैसे जैसे मैं पेंडू ना, ये पेंडू लोग इधर आए हुए हैं तरफ से आपके लिए, और बालाकोट सिटी को हम एंजॉय और एक्सप्लोर कर रहे हैं, और वो आप लोग सामने देख सकते होंगे पहाड़ों के ऊपर सूरज की जो है ना किरणें पड़ रही हैं, और ये साथ ही बालाकोट सिटी आप लोगों ने कभी ऐसे नहीं देखा होगा बालाकोट सिटी। आज आज आपको, आप लोगों को हम दिखाएंगे बालाकोट सिटी कैसा होता है। और ये भाई, ये इनका नाम है, क्या नाम है आपका भाई? मेरा मोहम्मद बनारस सर। हाँ जी, ये हमें बहुत अच्छी सर्विस दे रहे हैं, लास्ट टाइम भी हम इनके पास आए थे, इनके पास हम जब भी आते हैं बालाकोट इनके पास स्टे करते हैं। और अभी आप लोगों को कुछ व्यू दिखाते हैं जी, ये कौन सा दरिया है, दरिया किनार के हम जी किनारे हैं फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते होंगे जो दरिया है ना उसका शोर आप लोग चेक करें ज़रा। और ये जी व्लॉग, आज का जो व्लॉग है ना यहाँ पे मैं करने जा रहा हूँ बालाकोट सिटी के नाम, बालाकोट सिटी को एक्सप्लोर कर रहे हैं, और दरियाए किनार आप लोगों को देख सकते होंगे अपनी कुल आबोताब के साथ पानी बह रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे जी नाश्ते के लिए स्टे किया, नाश्ता होगा बालाकोट सिटी ये सारा, और साथ में ये ग्रीन जो है ना पहाड़ियाँ, यहाँ पे पहाड़ हैं, और ये जी होटल है गेटवे के नाम से, और वैली गेटवे और साथ में गेटवे है, तो दोनों जो होटल हैं ना बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे अक्सर ये जो हम कज़न जो लोग सारे आए हुए हैं तो यहाँ पे करते हैं कि हम स्टे। तो बालाकोट सिटी, बालाकोट सिटी पहली दफ़ा देखा है, पहले तो न्यूज़ में ही सुना था इसके बारे में, और आज खुद से देख के पता चल रहा है कि जो ब्रिज चेक करें आप लोग कितना प्यारा बना हुआ, और ये भी पाकिस्तान की जो ब्यूटी है एक्सप्लोर कर रहे हैं हम, इसको आप लोग भी आएँ देखें ज़रा। और यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा नाश्ता करेंगे तो उसका भी एक अलग से लुत्फ़ होगा, और बाकी आप पानी भी देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और फ्रेंड्स पीछे होटल है, अगर किसी ने स्टे करना हो ना बालाकोट सिटी में आना हो और यहाँ पे स्टे करना हो तो ये बहुत प्यारा पीछे होटल है, आप लोग देख सकते होंगे, मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये इसका जूम करके दिखा रहा हूँ। ये देखें कुछ मेरी जो सेल्फी स्टिक है इसमें थोड़ा सा मसला आ रहा है, लेकिन ये है कि अभी तो स्टार्ट हुआ है टूर का, अभी तो बहुत चीज़ें आपको दिखानी है, और ये सारा कुछ है, और आप लोग देख सकते होंगे सब पीछे सारा सिटी। तो नाश्ते का वेट हो रहा है, जैसे ही नाश्ता आता है फिर नाश्ता भी करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे यहाँ का नाश्ता भी। बाकी बहुत अच्छा लग रहा है, बार बार यही कहने को, क्योंकि अच्छाई जिस चीज़ की अच्छाई हो वो हमें बतानी पड़ती है किसी भी चीज़ के बारे में, और मुझे लगता है इतना सा ही ये बालाकोट सिटी है, छोटा सा शहर है लेकिन बहुत प्यारा बना हुआ है। और सबसे स्पेशल चीज़ इसके बारे में ये है कि ये जो दरिया है ना, दरिया किनार ये जो बह रहा है ना, इसका जो साउंड आप लोगों को नज़र आ रहा होगा बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी बातें ज़्यादा नहीं करेंगे, आप लोगों को थोड़े से और नज़ारे मैं दिखाता हूँ, तो तब तक के लिए मेरा तो फेस आप लोग देखें, हम सफ़र कर करके ना, ये मेरे बालों का भी थोड़ा सा बुरा हाल हुआ पड़ा है, और ये है कि फ्रेश लुक भी नहीं हुई अभी, तो थोड़ा सा फ्रेश भी होना है, तो उसके बाद जाके आप लोगों से थोड़ी सी गपशप और मज़ीद करते हैं। बाकी जो मेरे साथी हैं, जो जो लोग जिनके साथ हम आए हुए हैं वो पीछे हैं,
तो ये है जी आज का व्लॉग और आज की जो वीडियो बालाकोट सिटी के नाम, बाकी जो भी रूटीन होगी आप लोगों से मैं शेयर करूंगा और वीडियोस आप लोगों को एक्सप्लोर करना पाकिस्तान। और ये जी ये हमारा नाश्ता आ गया सुबह सुबह बालाकोट का, हम नाश्ता करने जा रहे हैं, ये चने यहाँ के गर्म पानी और व्यू फ्रेंड्स बहुत अच्छा है यहाँ पे। अगर आप लोग यहाँ पे आए हैं बालाकोट में, बिल्कुल दरियाए कन्हार के किनारे पे हमने स्टे किया हुआ है और जो फर्स्ट व्लॉग है आज की ट्रिप का, टूर का, वो ये है कि यहाँ पे हम नाश्ता करेंगे। तो ये देखें कैसा प्यारा सीन है यहाँ पे, कैसे नज़ारे हैं। और ये देखें बाकी लोग जो है नाश्ता जो है ना उनका रेडी हो गया और करने लगे हैं। सो ये जो नज़ारे हैं ना फ्रेंड, ये बहुत मिस करने वाले हैं। आप लोग मिस ना करें, आप लोगों के लिए बना के तो इसीलिए मैं अपलोड करूँगा। ये देखें ये जी नाश्ता, चेक कर रहे हैं, थोड़ा सा दिखाते हैं आप लोग। और यार वो भाई जी पानी गाड़ी में बैठा हुआ है, बहुत अच्छी सर्विस है इनकी। और ये जी होटल रूम्स हैं इनके, और बाकी ये है कि बहुत अच्छी सर्विस है इनकी, बहुत टाइमली इन्होंने बना के हमें भेजा है नाश्ता। और बाकी ये है कि ये जो सीन है अभी नाश्ता बनावल होने जा रहा है, तो बालाकोट का जी फर्स्ट नाश्ता हमारा यूट्यूबर। और ये जी कुछ लोग तंग आ रहे हैं, तो अभी खाते हैं जी नाश्ता। कैसा वैस भाई नाश्ता कर रहे हैं पलक भाई? मज़ा ही आ गया, मज़ा आ गया ना, पहला स्टे हमारा जो बालाकोट का। असल में ना मसला ये, रात 9 बजे 8:30-9 बजे के निकले हुए हैं और कंटिन्यूसली वी आर एट द राइट मोमेंट, सो दैट्स व्हाई वी डिडंट ईट एनीथिंग। सो और ये है कि बहुत अच्छा, अब ये है कि थोड़ा सा नाश्ता, टू मच भूखे लगेंगे एंड वी आर वेटिंग फॉर। और ये देखें थोड़ा सा भी वेट नहीं हो रहा इन लोगों से, लेकिन मैं भी अगर ये मैं इस तरह करता रहूँगा तो भूखा रह जाऊँगा। सो अभी नाश्ता करता हूँ तो फिर आप लोगों से दोबारा से मुलाकात होती है। नाश्ता के लिए मतलब इस वीडियो बनाने का ये है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सीन दिखाऊं, आप लोग भी एंजॉय करें और नाश्ते तो होते रहेंगे, खाने खाते रहेंगे, सारा कुछ होता रहेगा, लेकिन आप लोग भी तो एंजॉय करें ना ये सारे नज़ारे, ये सारे सीन। सो अभी मैं भी खा रहा हूँ नाश्ता, तो फिर उसके बाद आप लोगों से अच्छे। सो फ्रेंड्स बालाकोट का मकाम हो और दरियाए कन्हार के किनारे पे चाय पीने का अपना ही मज़ा है, आप लोग भी आएंगे तो चाय ज़रूर पीजिएगा। और यहाँ पे बैठ के ये चेयर्स वगैरह पड़ी हुई हैं और बिल्कुल दरिया के किनारे पे हम बैठे हुए हैं, तो मैंने सोचा चाय पी लूँ तो आप लोगों से थोड़ा सा ये भी शेयर करते हैं। ये जी बहुत अच्छी चाय है, आधी तो ख़त्म हो गई है लेकिन आधी रह गई है। और ओवरऑल अच्छा ट्रिप रहा मेरा बालाकोट का, बालाकोट सिटी को देखा और पहली दफ़ा देखा। ये देखें पीछे मेरे जो आप बैकग्राउंड में देख रहे होंगे, सूरज की जो किरणें हैं वो पहाड़ के ऊपर पड़ रही हैं और बहुत अच्छा मंज़र है, जैसे कोई सीनरी वगैरह होती है। सो अभी मैं चाय पी लूँ, फिर थोड़ी सी आप लोगों से फिर गपशप करते हैं।